हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से नोड जेएस का बैकएंड जो है हमने स्टार्ट करना है इस ट्यूटोरियल में। तो शुरू करते हैं। तो किस तरीके से नोड जेएस का बैकएंड हम क्रिएट करेंगे और किस तरीके से हम सारे के सारे फोल्डर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं चले जाता हूँ, अपने क्लोज कर लेता हूँ ये वाले टर्मिनल को, ठीक है? अब चलते हैं, हमें पूरा पूरा प्रोजेक्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ द रिएक्ट एंड नोड जेएस, ठीक है? तो मैं चलता हूँ अपने नोड जेएस के प्रोजेक्ट पे, या तो फिर हम मर्न बना सकते हैं, मर्न के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ टू डू लिस्ट, ठीक है? ये बना दिया मैंने। इसके अंदर फोल्डर बना लेता हूँ, एक बना लेता हूँ बैक एंड का और एक बना लेता हूँ फ्रंट एंड का, ठीक है? दो फोल्डर्स बना लिए मैंने। अब बैकएंड के अंदर हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड लिखना, ठीक है? तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे npm init y, ठीक है? ये बेसिक बैक हमारा पैकेट डॉट जेसन ऐड करके दे देगा, ठीक है? ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमें फाइल बनानी पड़ेगी, सर्वर डॉट जेएस फाइल, टच सर्वर डॉट जेएस, ठीक है? ये फाइल हमारी बन गई। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने कोड पे, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो हमारा पैकेट डॉट जे एस है, सर्वर डॉट जे एस। अब हम बनाते हैं इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है? इस फोल्डर स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा कॉन्फिग, ठीक है? तो आपने क्रिएट करना है कॉन्फिग का फोल्डर, ठीक है? कॉन्फिग के अंदर बनानी है आपने डीबी कॉन्फिग डॉट जे एस फाइल, ठीक है? इसके अंदर हमने बनानी है एक नई फाइल जिसका नाम है dbconfig.js फाइल, ठीक है? ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट बनाना है आपने कंट्रोलर, कंट्रोलर नाम का क्या बनाना है, फोल्डर, ठीक है? अब कंट्रोलर के अंदर बनाना है टास्क कंट्रोलर डॉट जे एस वाली फाइल, ठीक है? तो मैं इसके अंदर बना देता हूँ एक नई फाइल जिसका नाम है टास्क कंट्रोलर डॉट जे एस, ठीक है? नेक्स्ट बनाना है लॉगर, जिसमें हम लॉग करवाएंगे कि सारा का सारा रिकॉर्ड होगा कि कब कौन सी API हिट हुई, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या नहीं आया। इसके लिए हम बनाएंगे लॉगर, ठीक है? तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे लॉगर एक नया फोल्डर, ठीक है? लॉगर के अंदर मैं बनाऊँगा API लॉगर डॉट जे एस वाली फाइल। तो ये रहा लॉगर, इसके अंदर मैं बनाऊँगा एक नया फाइल, ठीक है? अब उसके बाद बनाना है हमें मॉडल, ठीक है? तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ आप, ठीक है? तो एक नया फोल्डर बनाएंगे मॉडल, मॉडल के अंदर हमने नई फाइल बनानी है टास्क मॉडल डॉट जे एस की, ठीक है? जिसके अंदर हमारा स्कीमा होगा, ये हमारा बन गया। उसके बाद है रिपॉजिट्री, ठीक है? तो ये हमने बना दी यहाँ पे रिपॉजिट्री फोल्डर, ये रहा टास्क रिपॉजिट्री डॉट जे एस, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास सर्विस, नया फोल्डर बनाएंगे सर्विस, सर्विस के अंदर जिसमें हमारी सारी सारी लॉजिक लिखा होगा टास्क सर्विस डॉट जे एस, ठीक है? तो फिर से बना देते हैं सर्विस डॉट जे एस। उसके बाद बनाते हैं डॉट ई एन वी फाइल जिसमें हमारी कॉन्फिग्रेशन होंगी, ठीक है? तो ये बना देता हूँ डॉट ई एन वी, ठीक है? सर्वर डॉट जे एस हमने पहले से बना ली, ठीक है? तो ये हमारा पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हमें गो थ्रू करना है, ठीक है? ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेटाबेस कनेक्ट करना है, ठीक है? फोल्डर स्ट्रक्चर डन हो गया, अब नेक्स्ट है हमारे पास किस तरीके से डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो वो सर्वर डॉट जे एस फाइल यूज होगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।